गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है वर्क परमिट सिस्टम पे। तो वर्क परमिट सिस्टम क्या होता है, कहाँ कहाँ हमें वर्क परमिट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, हमें वर्क परमिट सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, आज हम उस पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ वर्क परमिट सिस्टम। तो परमिट टू वर्क आर वर्क परमिट सिस्टम इज़ ए डॉक्यूमेंट विच सेट्स आउट द वर्क टू बी डन, प्रिकॉशन टू बी टेकन। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारा जो भी हमको काम करना है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है, वो क्या क्या उसमें हजार्ड्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर जॉब्स में, और क्या क्या हम कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं उसके अगेंस्ट में, इसका पूरा रिटन डॉक्यूमेंट वो होता है। ठीक है, ये होता है हमारा वर्क परमिट सिस्टम। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारा जॉब है उनको सेफली पूरा कर सकें। ठीक है, उसके बाद है वाई वी यूज़ वर्क परमिट सिस्टम, हम वर्क परमिट सिस्टम का यूज़ क्यों करते हैं या वर्क परमिट का यूज़ क्यों करते हैं। व्हेन अ जॉब हैज़ द पोटेंशियल ऑफ कॉजिंग सीरियस इंजरीज और डेथ, इट इज़ नेसेसरी टू फॉर्मलाइज एग्रीड अपॉन द वर्क प्रोसीजर। जब भी हमारा जो भी काम है उसमें ऐसे कोई डेंजरस या पोटेंशियल है, वो कोई सीरियस इंजरी कर सकता है या डेथ हो सकती है उससे, या वर्क एनवायरनमेंट को कोई डैमेज पहुँचा सकता है, तो ऐसे जब भी हमें काम करना हो तो उसके लिए हमें वर्क परमिट की ज़रूरत होती है। व्हेन इज़ अ वर्क परमिट नीडेड, हमें वर्क परमिट की ज़रूरत कब पड़ती है। जब भी हमारा जो भी काम है उसमें ऐसा कोई डेंजर हो, रिलेटेड फायर या स्पार्क फ्रॉम ओपन फ्लेम्स, एक्सप्लोजिव, कोरोजिव और टॉक्सिक इन्वायरमेंट, ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट जहाँ पे एक्सप्लोजिव या कोरोजिव नेचर के मटेरियल है, तो वहाँ पर अगर हमें काम करना है तो वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ती है। अगर कई ओपन फ्लेम्स है या वेल्डिंग वगैरह हम कर रहे हैं, कटिंग या फर्नेसेस के पास कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे स्पार्क जनरेट हो सकता है, फ्लेम जनरेट हो सकती है, तो ऐसी जगह पे हमें वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी हम किसी भी प्रेशर सिस्टम में, जैसे रिएक्टर वेजल हो गए, तो ऐसी जगह पर हमें काम जब भी करना हो या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो हमें वर्क परमिट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद स्टीमर अदर हॉट मटेरियल्स, कभी भी हमें स्टीम की लाइन या ऐसे कोई हॉट मटेरियल पे काम करना है जिसमें बर्न इंजरी होने के चांसेस हैं, ऐसी जगह पे हमें वर्क परमिट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। देन इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एनर्जी सोर्सेज, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे हैं या अदर ऐसी कोई चीज़ों पे काम कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल सोर्स हो सकता है या लाइव करेंट हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों में जब भी हमें काम करना है तो हमें इलेक्ट्रिकल परमिट की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सीडेंटल स्टार्टअप्स ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट, जब भी कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट है जिसमें कभी भी गलती से वो स्टार्ट हो सकता है, तो ऐसी जगह पे हमें वर्क परमिट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जो इंश्योर करता है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल करंट है, जो भी इलेक्ट्रिकल सोर्सेज है, वो फुली आइसोलेट कर दिया गया है। ठीक है, और उसको हम लॉकआउट टेकआउट करते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है वहाँ पे परमिट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कन्फाइंड स्पेस हो गया या सफोकेशन या ड्रोनिंग या ऐसी कोई जगह जहाँ पे ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पे हमें वर्क परमिट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सॉल्वेंट का स्टोरेज टैंक है, तो अगर आपको उसके अंदर काम करना है जहाँ पर सफोकेशन के चांसेस हो सकते हैं, तो उसमें हमेशा आपको परमिट सिस्टम लेना ज़रूरी है या परमिट लेना ज़रूरी है, ताकि ये इंश्योर कर सके कि जब भी आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो अंदर कोई डेंजर ना हो। ठीक है, फिर उसका रेस्ट्रिक्टेड एसेस एग्जिट एंड मूवमेंट, जो कन्फाइंड स्पेस है इसी के अंदर आता है। ठीक, टॉक्सिक सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, अगर आप ऐसे कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस पे काम कर रहे हैं इससे डेंजर हो सकता है या रेडियो एक्टिव मटेरियल पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये ऐसे जगह है जहाँ पर हमें परमिट की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। अब इसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, क्या क्या प्रोविज़न दिए हुए फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर, हम उस पर बात करते हैं। तो इसमें जो सेक्शन नंबर 36 दिया है उसमें दिया हुआ है प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स गैसेस एक्सेट्रा। जब भी इसमें दिया हुआ है, जब भी हम कभी भी काम करते हैं किसी भी डेंजरस फ्यूम्स की जगह पर कोई है या ऐसी गैसेस प्रेजेंट है जिसमें फायर होने के चांसेस या टॉक्सिक नेचर की गैसेस है और हमें वहाँ पर काम करना है, तो हमें परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड देन सेक्शन 36A प्रिकॉशन रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल लाइट, जब हम कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं या ऐसे किसी भी स्पेस में काम करते हैं जहाँ पे फ्लेमेबल मिक्सचर हो सकता है
और वहाँ पर छोटे से भी स्पार्क को अवॉइड नहीं करना है, तो हमें परमिट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। और जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट है उसके अंदर दिया हुआ है कि अगर ऐसी जगह पर हमें कोई पोर्टेबल लाइट का यूज़ करना है या किसी भी ब्लोवर वगैरह हो गया या ऐसे इक्विपमेंट जो ज़रूरी है वहाँ पर, तो अगर इसका यूज़ करना है तो वो 24 वोल्ट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 37 दिया हुआ है, एक्सप्लोजिव और इन्फ्लेमेबल डस्ट गैस एक्सेट्रा। ऐसे कोई भी एक्सप्लोजिव नेचर के जो भी गैसेस वगैरह हैं या डस्ट है, अगर हमें वहाँ पे काम करना है तो हमें परमिट की रिक्वायरमेंट होती है इस पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब परमिट की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक है, तो परमिट की रिक्वायरमेंट हमें कहाँ कहाँ पे होती है ये दिया हुआ है इसमें। जहाँ पे भी मेजर या माइनर कोई मेंटेनेंस हमें काम करना है, मेंटेनेंस का वर्क करना है, जैसे कोई भी मॉडिफिकेशन हो गया किसी लाइन में, मॉडिफिकेशन हो गया किसी भी चीज़ में, अगर हमें कोई मेंटेनेंस करना है उसका, तो हमें परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। देन उसके बाद इंस्पेक्शन, किसी भी जैसे आपका आप अगर आपके इंडस्ट्रीज़ में कोई स्टोरेज टैंक है या कोई मशीन है या कोई पाइपलाइन है ऐसी, या कोई भी इक्विपमेंट ऐसा जिसका इंस्पेक्शन आपको टाइमली रिक्वायरमेंट है उसकी, तो अगर आपको उसका इंस्पेक्शन करवाना है तो उसके लिए भी वर्क परमिट की ज़रूरत होती है। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन, अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन का आपको काम करना है कहीं पर भी, तो उसके लिए परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन मीन्स मॉडिफिकेशन, अगर ये इसको मतलब प्रोसेस की इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर चेंज ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ चेंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जब भी हमको कोई मॉडिफिकेशन करना है किसी भी इक्विपमेंट पे, तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत होती है। फिर प्रोसेस इक्विपमेंट क्लीनिंग, आपके कोई भी अगर प्रोसेस का इक्विपमेंट है जिसकी क्लीनिंग करना है, तो उसके लिए परमिट की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि ये इंश्योर कर सके कि अगर आप उस पर काम करें तो एक्सीडेंटली कोई मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट ना हो, ठीक है। फिर एंट्री इनटू कन्फाइंड स्पेस, अगर कन्फाइंड स्पेस में आप एंट्री कर रहे हो तो उसके लिए परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। देन एक्सकेवेशन, अगर आपको एक्सकेवेशन करना है कहीं पर भी, तो उसके लिए परमिट की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि ये इंश्योर कर सके कि जहाँ पे भी आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं वहाँ पे कोई पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन पहले से प्रेजेंट ना हो या कोई भी लाइव इलेक्ट्रिकल करंट के केबल्स वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, तो उसके लिए परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। व्हीकल एंट्री इनटू हजार्डियस एरिया, बहुत सी इंडस्ट्रीज जैसे केमिकल इंडस्ट्री हो गई, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, या जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे फ्लेमेबल नेचर के मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, तो अगर हमें कोई व्हीकल की एंट्री करवानी है हजार्डियस एरिया में, तो उसके लिए हमें परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्क परमिट, परमिट के कितने टाइप्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में वेरी कर सकता है। आपकी इंडस्ट्री में कुछ अलग हो सकता है तो दूसरी इंडस्ट्रीज़ में उसके जॉब्स के अकॉर्डिंग कुछ अलग हो सकता है। तो जो कॉमन है वो है वर्क परमिट फॉर हॉट एंड कोल्ड जॉब्स, हॉट वर्क परमिट और कोल्ड वर्क परमिट जो हम यूज़ करते हैं वो। देन वेजल एंट्री परमिट, फिर उसके बाद एक्सकेवेशन परमिट, फिर उसके बाद वर्क एट हाइट एबो 2 मीटर और 1.8 मीटर कंसिडरेबल, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट की जो हमें रिक्वायरमेंट होती है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, क्या क्या कहाँ कहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है वर्क परमिट की वो समझ में आया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है फ्रेंड्स, उसमें हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ वर्क परमिट कितने होते हैं और हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे होती है, क्या क्या स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है उसके लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। So thank you for watching.